हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इस चैनल पे स्वागत है। रेनो ट्राइबर हैज बीन अ कार विच हैज अमेज्ड मी एवर सिंस आई बॉट इट एंड आई टेस्ट ड्रोव इट, एंड इट्स प्रूव्ड दैट इट्स अ रियली सेफ एंड वर्सेटाइल कार येट अगेन। जब से मैंने ट्राइबर की टेस्ट ड्राइव ली थी और मैंने ये गाड़ी खरीदी है, ये गाड़ी मेरे को बार बार अचंभित करती है, और एक बार फिर रेनो ट्राइबर ने ये साबित किया है कि ये एक काफ़ी सुरक्षित गाड़ी है और काफ़ी अच्छी गाड़ी है। बहुत चीज़ों में ये प्रैक्टिकल गाड़ी है। आज मेरे को एक नई चीज़ अपनी गाड़ी में पता लगी, शायद आप में से बहुतों को पता होगी, लेकिन मेरे को गाड़ी लिए 1.5 साल हो गए और 1.5 साल में पहली बार मेरे को ये फीचर के बारे में ड्राइवर के पता लगा जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो, उस बात में जाने से पहले एक बार मैं आपको लिस्ट दिखा दूँ ग्लोबल एनकैप की, जिसमें भारत के जो अलग अलग गाड़ियाँ हैं उनको वो टेस्ट करते हैं। सन 2014 में उन्होंने ये टेस्टिंग शुरू करी थी और अभी 2021 में जून में पहली गाड़ी जो इस साल टेस्ट हुई है वो रेनो ट्राइबर टेस्ट हुई है और उसके क्रैश टेस्ट रिजल्ट्स आए हैं। सो आइए एक बार मैं आपको वो क्रैश टेस्ट रिजल्ट्स दिखा दूं। तो जैसा आप इन रिजल्ट्स में देख सकते हैं, 2014 से 2021 में अभी तक जो गाड़ियाँ टेस्ट हुई हैं उसमें से 8वें नंबर पे आपको रेनो ट्राइबर नज़र आएगी, जो अडल्ट ऑक्यूपेंसी के लिए, अडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 4-स्टार रेटेड है और किड्स के लिए 3-स्टार रेटेड है। और ग्लोबल एनकैप द्वारा टेस्ट करी गई एमपीवीज में भारत में ये अभी तक का सबसे अच्छा स्कोर रहा है, चाहे बॉडी शेल अनस्टेबल था और वो दोबारा अनस्टेबल का मतलब ये नहीं है कि शीट मेटल पतला है या जो इसका प्लेटफॉर्म है वो अच्छा नहीं है, उसका मतलब ये है कि दोबारा उस स्पीड पे जिस पे ग्लोबल एनकैप ने टेस्ट किया है जो कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, उस स्पीड पे आप का जो बॉडी शेल है वो दोबारा इस एक्सीडेंट को झेलने के हालत में नहीं होगा। तो एक एक्सीडेंट के लिए इसका बॉडी शेल ठीक है और 4-स्टार रेटिंग उसमें है। अगर आप देखें तो मराज़ो के भी 4 स्टार्स थे लेकिन उसको चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में सिर्फ 2 स्टार्स मिले हैं, और अर्टिगा इनसे और भी पीछे है, अर्टिगा को 3 स्टार्स मिले थे अडल्ट ऑक्यूपेंसी में और 3 स्टार्स मिले थे चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में। लेकिन अगर आप टोयोटा इनोवा की बात करें या किया कार्निवल की बात करें तो ये ऐसी गाड़ियाँ हैं जो आसियान एनकैप में 5-स्टार रेटेड हैं, तो ये ट्राइबर, मराज़ो और अर्टिगा से भी सेफर हैं, लेकिन ग्लोबल एनकैप ने इनको टेस्ट नहीं किया है। ग्लोबल एनकैप की जो रिजल्ट्स है, जो उनके सेफर कार्स ऑफ इंडिया कैंपेन जो वो चला रहे हैं पिछले 7 साल से, उसमें ट्राइबर फिलहाल एमपीवीज में या पीपल कैरियर्स में सबसे टॉप पे है। और अगर आप देखें तो सुजुकी, मारुति सुजुकी ईको ये नीचे आपको यहाँ पे दिखेगी, ये बॉटम की गाड़ियों में है, इसमें तब एयरबैग नहीं आता था इसलिए अडल्ट ऑक्यूपेंसी के लिए इसमें कोई स्टार्स नहीं दिए गए, लेकिन चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में इसको 2 स्टार्स मिले थे। तो आइए अब उस फीचर के बारे में बात करते हैं जो जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। एज एन ओनर मैं बहुत खुश हूँ कि रेनो ट्राइबर ने ये 4-स्टार रेटिंग अचीव की है। आइए अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ें। तो जब आप गाड़ी में आके बैठते हैं तो आपको ये डिस्प्ले ऐसे जलता हुआ नजर आता है, ये अभी रात में मैंने वीडियो बनाया है। और आपका जो म्यूजिक सिस्टम की स्क्रीन है वो ऑफ होती है। अगर आप पावर बटन एक बार दबाएं तो आपका म्यूजिक सिस्टम ऑन हो जाता है और आप म्यूजिक सिस्टम को चला के अपने गाने वाने सुन सकते हैं। अभी ये रेडियो की आवाज़ है, अगर मैं मीडिया पे करूं, हाँ इसका म्यूजिक सिस्टम लैगी है। ऑक्स पे मैंने अभी रखा है, अभी इसमें कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है,
लेकिन इसकी सेटिंग ऐसे है कि अगर आप अभी, मैंने ड्राइवर साइड दरवाज़ा खोला और म्यूज़िक सिस्टम ऑफ हो गया, सारा जो ये एक्सेसरीज थी ये सब ऑफ हो गई। अभी मैंने दोबारा ड्राइवर का दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो अभी तक इन 1.5 सालों में मेरे को ये बात नहीं पता थी कि अगर आप ड्राइवर का म्यूज़िक सिस्टम ऐसे यूज़ कर रहे हैं तो दरवाज़ा खोल के वो बंद हो जाता है। ये तो मेरे को मालूम था, लेकिन एक्सटेंडेड पीरियड के लिए फिर हम इसको कैसे यूज़ करें? तो मैं जो करता था, मैं बार बार ये स्टार्ट स्टॉप बटन दबाता था और म्यूज़िक थोड़ा थोड़ा देर के लिए सुनता था। लेकिन मेरे को अभी हाल ही में एक दिन, मैं बैठ के गाड़ी में ट्राई कर रहा था चीज़ें और मैंने नोटिस किया, अगर गाड़ी, अभी आपने देखा मैंने कोई पावर बटन नहीं दबाया है, मैंने सिर्फ म्यूज़िक सिस्टम का ये बटन दबाया और ये म्यूज़िक सिस्टम बूट हो गया। अभी आपको सुनाई दे रहा है, रेडियो यहाँ पे नहीं पकड़ रहा है, मैं वॉल्यूम बंद कर देता हूँ। रेडियो मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैंने अपना एक फ़ोन ब्लूटूथ से गाड़ी में कनेक्ट किया है, ब्लूटूथ पे आ गए हैं। अब मैं अपना एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू रेनो ट्राइबर ड्राइव्स आपको ऑन द दिखाई रोड्स दे रहा फेस है। अभी फैमिली। डिस्प्ले बंद है, नमस्कार म्यूजिक दोस्तों, रेनो सिस्टम ट्राइबर अभी चल ड्राइव्स रहा ऑन द है, रोड आपको आवाज़ आ रोड्स रही है। फेस ट्रैवल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और इन टुडेज अभी वीडियो इस वी समय विल अटेम्प्ट मैं टू ड्राइव फ्रॉम वॉल्यूम कम बंद कर मेलबोर्न देते हैं, ओपन। कम कर देते हैं। अभी इस समय जब मैं ड्राइवर साइड का दरवाज़ा खोलूँगा, आपने देखा केबिन लाइट ऑन हो गई है, दरवाज़ा मैं खोल चुका हूँ, दरवाज़ा मैंने खोल दिया और अभी भी दरवाज़ा अभी खुला ही है, इस ब्रिज आप को सुन पार सकते करते हैं, हुए अभी भी म्यूज़िक बिरला के सिस्टम पास चल होटल रहा है। आइलैंड पार्क में दरवाज़ा पहुंचेंगे, खुला है, आप जो पिछले एमआईडी वीडियो में में भी देख मैंने सकते जहां हैं, बताया था और कि ये दूसरी जगह का भी है दरवाज़ा जिससे बंद आप भी कर दिया, मेलबोर्न की तरफ से आ सकते हैं। लेकिन मुझे म्यूज़िक मेरा ब्रिज अभी एंड भी ब्रिज चल रहा होते है। हुए हम अब मैं आपको वापस मेट्रो दिखाऊंगा उतर के कि, फ्रेंडो को निकाल के इसको इसको फिर से देखेंगे। बंद करते हैं, सॉरी। अब मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप सिर्फ स्टार्ट स्टॉप बटन दबा के इस फंक्शन को यूज़ करते हैं तो लगभग वो 2 मिनट तक चलता है। और अब हम थोड़ा सा टाइम लैप्स में इसको देख के, मैं बीच में स्किप करूँगा वीडियो को, मैं अभी इसके ऊपर अपनी दूसरे फ़ोन में स्टॉप वॉच भी लगाऊंगा और हम देखेंगे कि कितनी देर के लिए आप वीडियोस देख सकते हैं। एक प्रूफ के साथ हम देखेंगे कि सिर्फ ऐसे पावर बटन दबा के गाड़ी जब आपकी बंद है, आप अगर गाड़ी में बैठे हैं या आपके साथ में कोई बैठे हैं, तो वो लगभग कितनी देर तक आपके म्यूज़िक सिस्टम में बिना गाड़ी ऑन किए म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं, कर सकते हैं। तो आइए अब हम उस चीज़ को देखेंगे। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन को ऑन कर रहा हूँ और उसके बाद मैं ऊपर टाइमर शुरू करूँगा और हम देखेंगे कि कितनी देर लगभग आपका जो म्यूज़िक सिस्टम है या गाड़ी का जो एक्सेसरी पोजीशन है वो ऑन रहती है। ये मैंने पावर बटन दबाया और ऊपर स्टार्ट स्टॉप बटन दबा दिया। अब मैं वहाँ पे जाके इसको दोबारा अपना स्टॉप वॉच को दबाऊंगा जब गाड़ी एक्सेसरी पोजीशन से ऑफ हो जाएगी, और आपको दिखाऊंगा। 1.5 मिनट से ऊपर हो गया है और अभी तक एक्सेसरी पोजीशन पे आप देख सकते हैं गाड़ी है, और जहाँ तक मेरा आइडिया है लगभग 2 मिनट में गाड़ी बंद होती है, तो अभी ये बंद होने वाली होगी कुछ सेकंड्स बाद। दो मिनट से ज़्यादा ही है, 2.5 मिनट से भी ऊपर हो गया है, लेकिन अभी एक्सेसरी पोजीशन जैसा आप देख सकते हैं अभी तक ऑन है। तकरीबन हम आइडिया लगा सकते हैं कि 3 मिनट के आसपास गाड़ी एक्सेसरी पोजीशन में ऑन रहती है।
और ये 2-3 मिनट के जस्ट पहले आपने देखा अभी गाड़ी ऑफ हो गई। तो अब मैं टाइमर शुरू करूँगा, जो सिर्फ मैं जब म्यूज़िक सिस्टम को यहाँ से गाड़ी अभी बंद है इस पोजीशन में ऑन करूँगा, और फिर से हम टाइमर को चला के देखेंगे कि कितनी देर बाद आपका ये एक्सेसरी पोजीशन या सिर्फ म्यूज़िक सिस्टम अगर आप गाड़ी में बैठे बैठे चलाएं तो ऑफ होता है। तो ये मैंने म्यूज़िक सिस्टम को दबाया और ये टाइमर मैंने चला दिया है। अभी आप देखेंगे गाड़ी का एक्सेसरी पोजीशन ऑन नहीं है, सिर्फ डिस्प्ले में वहाँ यही आ रहा है, और यहाँ पे मैं वापस मीडिया में ब्लूटूथ पे अपना फ़ोन से कनेक्ट करता हूँ। डिवाइसेस कनेक्टेड, ब्लूटूथ आ गया, एग्जिट एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सुन सकते हैं म्यूजिक अभी चल रहा है और अब क्योंकि मेरी जो स्टॉपवॉच है वो स्प्लिट स्क्रीन फंक्शन को नहीं सपोर्ट करती, तो मैं सिर्फ स्टॉपवॉच चला के रखता हूँ। 1 मिनट से ऊपर हो गया है और अब मैं जब गाड़ी ऑफ हो जाएगी तब रुकने के बाद आपको दिखाऊंगा। अभी तक मेरे को भी नहीं पता एग्जैक्टली कितने मिनट बाद होता है, बट आज मैं आप लोगों के सामने स्टॉपवॉच जब पॉज हो जाएगा, म्यूजिक सिस्टम बंद हो जाएगा, तब स्टॉपवॉच पॉज करके और फिर वीडियो को रिज्यूम करूंगा। तब तक मेरी गुजारिश है, जो लोग चैनल पे नए हैं जिनको ट्राइबर से रिलेटेड अलग अलग कंटेंट देखना अच्छा लगता है वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक बटन दबाना ना भूलें और आगे और ट्राइबर ओनर्स के साथ भी शेयर करें। जहाँ तक मेरे को लगता है ट्राइबर RX-T और RX-Z जो दोनों MediaNav Evolution सिस्टम सपोर्ट करते हैं, उन दोनों में ये फीचर सिमिलर होना चाहिए, बट RX-T चाबी पे भी चलती है, सो क्या पता उसमें ये टाइम बाउंडेशन ऐसा ना हो जो ये RX-Z में है। मेरे पास जो मॉडल है ये नवंबर 2019 का ख़रीदा हुआ ट्राइबर RX-Z है, टॉप मॉडल उस टाइम का, मैनुअल ट्रांसमिशन, और उस पे मैं आपको ये फीचर के बारे में बता रहा हूँ। अब इसमें RX-Z AMT भी आता है, लेकिन तब तक AMT नहीं आता था, शायद आता होता तो मैं AMT मॉडल लेता, बट आइए देखते हैं। जैसे ही ये बंद होगा मैं टाइमर पॉज करके और वीडियो रिज्यूम करके आपको दिखाऊंगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना इसको ना भूलें। लगभग 5 मिनट होने वाले हैं और जैसा आप देख सकते हैं अभी भी सिर्फ MediaNav Evolution सिस्टम जो मैंने चलाया था, ऑन किया था, वो चल रहा है। गाड़ी मेरी एक्सेसरी पोजिशन पर नहीं है, मैंने ड्राइवर दरवाज़ा भी खोल रखा है और फिर भी मेरा म्यूज़िक सिस्टम अभी ऑन है। कॉपीराइट इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए मैं वॉल्यूम बढ़ा के नहीं इस पे चला रहा हूँ, बट सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि कितनी देर तक ये ऑन रह सकता है, हम इस वीडियो में स्टॉपवॉच के माध्यम से देख रहे हैं। और एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं, जिस दिन मेरे को पहली बार इस फीचर के बारे में पता लगा और मैं इसको ट्राई कर रहा था, तो उसके बाद मेरा फ़ोन मैं गाड़ी से ब्लूटूथ से जैसे अभी भी मैंने कनेक्ट किया हुआ है, मैंने गाड़ी में गाने लगाए हुए थे और गाड़ी का दरवाज़ा खोल के चाबी बाहर लेके मैं गया, मैंने गाड़ी का लॉक बटन भी दबा दिया और थोड़ा दूर जब तक मैं गया और जहाँ तक ब्लूटूथ में मेरा फ़ोन की रेंज पकड़ रही थी वहाँ तक भी गाड़ी लॉक होने के बावजूद भी गाने बज रहे थे। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप अपने गाड़ी में घर पे ट्राई कर सकते हैं कि आप अगर गाड़ी से कहीं दूर भी हैं और जैसे अगर आप कैंपिंग पे या पिकनिक पे बाहर गए हैं
आप अपनी गाड़ी के शीशे नीचे करके और गाड़ी में गाने लगा के रख सकते हैं। आप थोड़ा दूर बैठ के आराम से गाने सुन सकते हैं। लगभग 7.5 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं और ये अभी भी सिर्फ म्यूज़िक सिस्टम अपनी पोजीशन पे चल रहा है। गाड़ी बंद है, एक्सेसरी पोजीशन पे नहीं है जैसा मैंने आपको अभी पहले भी बताया। और 10-15 मिनट काफ़ी होते हैं, 2-3 गाने आप उतनी देर में चला सकते हैं। तो हो सकता है आपको बार बार आके करना पड़े, लेकिन फिर भी 3 मिनट में बंद होने वाली एक्सेसरी पोजीशन से ऐसे गाना सुनना, गाड़ी लॉक होने के बावजूद भी, गाड़ी के दरवाज़ा, ड्राइवर साइड दरवाज़ा खुलने बंद होने के बावजूद भी सुनना ज़्यादा आसान है। तो देखते हैं अभी और कितनी देर में ये बंद होगा। जब आप ऐसे फ़ोन को गाड़ी से जोड़ के अगर आप फ़ोन में YouTube वीडियोस प्ले करते हैं तो स्क्रीन पे आपको नो टाइटल करके जैसे अभी दिख रहा है वो नज़र आएगा। म्यूज़िक आप गाड़ी के थ्रू सुन सकते हैं और YouTube के वीडियोस या जो भी वीडियो वाली चीज़ आप अपने फ़ोन पे चलाते हैं वो आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 10 मिनट से ऊपर हो गए हैं लेकिन ये अभी भी बंद नहीं हुआ है। मैं ध्यान नहीं दे पाया लेकिन मैंने पहले भी नोटिस किया था, जब ये ऐसे चल रहा होता है तो कुछ कुछ मिनटों बाद जो ये MID हमारा है ये फ्लैश करता है। अभी किया था, अभी फिर से होगा शायद, अभी नहीं आ रहा है। सो 11 मिनट होने वाले हैं और अभी भी हमारा म्यूज़िक सिस्टम कनेक्ट होके ब्लूटूथ से फ़ोन के साथ चल रहा है। देखते हैं कितनी देर में बंद होगा। लगभग 13 मिनट से ऊपर हो गया है, अभी तक भी म्यूज़िक सिस्टम हमारा चल रहा है और करीब हर 1 मिनट में MID पे मेरी डोर ओपन वार्निंग जो है वो फ्लैश कर रही है, एक बहुत ही छोटे क्षण के लिए, एक बहुत ही कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ही वो डिस्प्ले पे आती है अगर आप ध्यान देंगे तो। ड्राइवर साइड डोर मेरा खुला हुआ है क्योंकि गाड़ी अभी ऑफ है, शीशे चढ़े हुए हैं और मैं बैठ के आप लोगों के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो ड्राइवर साइड डोर मैंने खोल रखा है और वो वार्निंग हर लगभग 1 मिनट बाद MID पे फ्लैश कर रही है, डोर ओपन साइन सिर्फ। चौदह मिनट होने वाले हैं, अभी तक भी म्यूजिक सिस्टम ऑन है। तो ये एक प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि जहाँ एक्सेसरी पोजीशन अगर आप स्टार्ट स्टॉप बटन दबा के गाड़ी गियर में जब खड़ी आपकी रहती है आप सिर्फ स्टार्ट स्टॉप बटन दबाते हैं तो 3 मिनट बाद गाड़ी ऑफ हो जाती है, आपका म्यूज़िक सिस्टम ऑफ हो जाता है, आपकी सारी एक्सेसरी पोजीशन में चलने वाली चीज़ें, आपके पावर विंडोज़, आपका साइड जो रियर व्यू मिरर एडजस्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट, वो सब बंद हो जाता है। और उन 3 मिनट से पहले अगर आप ड्राइवर साइड दरवाज़ा खोल दें तो जितनी भी देर हुई हो वो सब ऑटोमेटिकली उसी टाइम बंद हो जाता है। वो एक सेफ्टी फीचर है जो रेनो ने ट्राइबर में दिया है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप गाड़ी में बैठे हैं और कुछ टाइम आप अपना म्यूज़िक सिस्टम इन्जॉय करना चाहते हैं तो जैसा आपको मैंने अभी दिखाया, आप सिर्फ गाड़ी में बैठ के पावर मीडिया नैव एवोल्यूशन सिस्टम का पावर बटन अगर आप दबाएं तो भी आप अपना म्यूज़िक सुन सकते हैं। जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, जो स्टेशन हमारा मनाली में वैसे भी बहुत लिमिटेड स्टेशंस पकड़ते हैं रेडियो पे, लेकिन जो स्टेशंस हमारी गाड़ी जब ऑन होती है तब पकड़ते हैं, वो जब मैं सिर्फ ये पावर बटन दबा के एवोल्यूशन सिस्टम को ऑन कर रहा हूँ, मीडिया सिस्टम को,
तब वो स्टेशंस नहीं पकड़ता है और शायद रेडियो उस टाइम पे नहीं पकड़ता है, रेडियो बिल्कुल शांत रहता है, रेडियो पावर ऑन नहीं होता है एंटेना हमारा। बट अगर आप आपकी यूएसबी से कोई आपने गाना सुनना है या आपने ऑक्स केबल लगा के आपकी गाड़ी में बैठ के कोई गाना सुनना चाहता है, या आप अपने फ़ोन के थ्रू ब्लूटूथ से कोई गाना कनेक्ट करके सुनना चाहते हैं, कोई आप फ़ोन में कोई वीडियो देख रहे हैं आप उसका ऑडियो एक बड़े सराउंड सिस्टम में सुनना चाहते हैं, आप लोग पिकनिक पे गए हैं और या कैंपिंग पे गए हैं, गाड़ी के आसपास हैं और आप वहाँ गाड़ी में गाड़ी के स्पीकर्स के थ्रू अपने गाने सुनना चाहते हैं, तो काफ़ी देर तक आप, जैसा यहाँ आप स्टॉप वॉच में देख सकते हैं, 16 मिनट से 16.5 मिनट से ऊपर हो गया है, अभी भी ये मीडियन एफ सिस्टम ऑन है और सिर्फ पावर बटन से ही चल रहा है। मेरा ड्राइवर साइड दरवाज़ा खुला है फिर भी ये ऑफ नहीं है। और दोस्तों अभी जस्ट 20 मिनट होते ही ये म्यूज़िक सिस्टम ऑफ हुआ है और जो ये ड्राइवर साइड डोर ओपन की वार्निंग ब्लिंक हो रही थी, मैंने गिना तो वो भी लगभग हर एक मिनट में आपका फ्लैश होता है। सो यहाँ आपने देखा एक प्रूफ कि कैसे अगर आप सिर्फ गाड़ी में बैठ के म्यूज़िक सिस्टम कुछ देर चलाना चाहें तो लगभग 20 मिनट के लिए आप गाने अनइंटरप्टेड अपने गाड़ी से सुन सकते हैं, चाहे वो ऑक्स पे हो, चाहे वो यूएसबी पे हो, चाहे वो ऑक्स पे हो, यूएसबी पे हो, या आप ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करके अपने फ़ोन से गाने सुनना चाहें। तो यही था आज के इस वीडियो में, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर 2 हफ्ते में मैं एक नया वीडियो डालता हूँ, अगले 2 हफ्ते बाद जहाँ तक मेरा अभी प्लान है, मैं एक नया ट्रैवल जो एक मैं अभी करके आया था कुछ समय पहले जब लॉकडाउन नहीं लगा था, उसका वीडियोस अपलोड करना शुरू करूँगा। एक नई सीरीज़ आप देखेंगे जो कि जीभी वैली की होगी, अनलेस कि गाड़ी में मेरे को कुछ और नया मिले और मैं वो आपके साथ शेयर कर दूं। तो 2 हफ्ते में एक बार फिर आपको मिलते हैं। जिन लोगों ने बीच में वीडियो देखना छोड़ दिया था उन्हें मैं बता दूं, अगर आप स्टार्ट स्टॉप बटन दबा करके गाड़ी को एक्सेसरी पोजीशन में लाते हैं तो 3 मिनट तक आपका म्यूज़िक सिस्टम, आपके पावर विंडोज़, आपके इलेक्ट्रिकल ORVM एडजस्टमेंट टॉप मॉडल में चलते हैं, और अगर आप सिर्फ जब आपकी पूरी गाड़ी ऑफ है सिर्फ मीडियन एफ सिस्टम से गाड़ी ऑन करके म्यूज़िक सिस्टम ऑन करके सुनते हैं तो 20 मिनट बाद आपका मीडियन एफ सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली वापस पावर सेविंग मोड में शट डाउन हो जाता है। सो थैंक यू, 2 हफ्ते बाद एक नए वीडियो के साथ आपको फिर मिलेंगे। बी सेफ, स्टे एट होम और सामाजिक दूरी बना करके रखें, मास्क पहनना ना भूलें और हम सब इस कोरोना महामारी से जल्द निकल के बाहर ज़रूर आएंगे, मुझे पूरा यकीन है, अपना वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं और 2 हफ्ते में एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, धन्यवाद। जाते जाते आपको एक बार ये प्रूफ दिखाना चाहता हूँ, अभी आप देख सकते हैं ड्राइवर साइड दरवाज़ा खुला है और मैंने सिर्फ पावर बटन दबा के मीडियन एफ सिस्टम ऑन किया हुआ है और ड्राइवर साइड दरवाज़ा बंद कर दिया, मीडियन एफ अभी भी ऑन है, ये मैंने गाड़ी लॉक कर दी है, मेरा MID ऑफ हो गया है, गाड़ी के अंदर की लाइट्स ऑफ हो गई हैं पर मीडियन एफ सिस्टम अभी भी ऑन है, आप देख सकते हैं गाड़ी बंद है, मीडियन एफ सिस्टम ऑन है, ये मैं पास आया गाड़ी अनलॉक हो गई और अब मैं ऐसे ही दूर जाऊंगा, गाड़ी लॉक हो जाएगी बट मीडियन एफ ऑन रहेगा, 20 मिनट बाद वो अपने आप ऑफ हो जाएगा।
गाड़ी लॉक, और आपको अभी भी अंदर दिख रहा होगा मीडियन हैव सिस्टम ऑन है। थैंक यू, बाय बाय।